मेरा ही दुर्भाग्य है, वह बेटी आज मेरा कहीं का नहीं रहता। साल भर जेल में सधवाया, कानून का शरण लिए, वहां जेल गेट पर भी पहुंच करके इन्होंने पिता का रोल अदा किया कि अब बंदी मेरा है, अपना जीवन जीव का चलावे। और मैं क्या बोल सकता हूँ पिता के दर्जा में। बिहार की एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे पूरी दुनिया ने देखा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरती छोटू की प्रेम कहानी जिसे पूरे दुनिया ने देखा था। यही नहीं, सभी चैनलों के द्वारा इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था। लेकिन जिसके बाद आरती के द्वारा आरोप लगाते हुए अपने ही पिता और अपने परिवार वाले को जेल में भिजवा दिया गया था, जिसके बाद आरती के पिता जेल से रिहा हुए और उन्होंने मीडिया कर्मियों के समक्ष आकर के क्या कुछ बातें कही उसे हम आपको सुनाते हैं। कर आप पे जो आरोप लगे वो आपके ही अपने बेटी के द्वारा लगाया गया, तो उन आरोपों को लेकर आज आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यह कहने के लिए चाहता हूँ, बेटी हो या बेटा हो, माँ पिताजी गांव समाज के लोग सबों को समान दर्जा देने के लिए चाहते हैं, किसी को बड़ा और किसी को छोटा दे। उसी के हैसियत से मैं भी बेटा और बेटी, चार बेटी तीन बेटा है, दो तो छोटा छोटा है, तीन बेटी का शादी जमीन सुद भरना लगा करके कुछ कुछ शादी कर सल्टा देते, चौथा में ये थी, मन में जिज्ञासा था कि अच्छा ढंग से इनका भी शादी करें, लेकिन परिस्थिति ढोन उस परिस्थिति लेकर के जिद भी कर दी कि मैं ग्रेजुएशन करूंगी तब पिताजी मेरा शादी कीजिएगा, भरोसा दिलाई, सहानुभूति हुआ, अच्छा शिक्षा की ओर झुकाव है तो थोड़ा और सहानुभूति दे करके क्रेडिट लोन ले, विद्यार्थी क्रेडिट लोन ले करके इनको ग्रेजुएशन करवा देते हैं, शिक्षा का विनाश नहीं होता है। मैं यही चलते उन पर सहानुभूति रखा और जहाँ जहाँ सोचे साइड बिजनेस थोड़ा लगा देते हैं, जीविका से जुड़ा दिए, गौ समाज में दस्तों समूह चलाएगी, उससे जो होगा आगे विकास, बुद्धि भी विकास उनका होगा, सेप्स ऑफ कंपनी से भी जोड़ा दिए थे, वहाँ जहाँ जहाँ अड़रिया मीटिंग होता था, पूर्णिया मीटिंग होता था, गाड़ी ड्राइव कर करके इस अवस्था में उस बेटी को हमने पहुँचा, और बड़ी आत्मबल था कि यह बेटी मेरा कोई रोशन करेगा, लेकिन दुर्भाग्य था मेरा ही दुर्भाग्य है, वह बेटी आज मेरा कहीं का नहीं रहता। साल भर जेल में सधवाया, कानून का शरण लिए, लोअर कोर्ट रिजेक्ट किया, जज साहब वकील साहब, हाई कोर्ट में बेल फाइल किया गया, लेकिन सत परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। हाई कोर्ट में बेल फाइल हुआ, वकील साहब शिवानंद बाबू, वकील साहब अजय ठाकुर हाई कोर्ट से रिजेक्ट भी करवा करके किसी तरह से बेल का अनुसंधान जारी किए कि ऐसा जो भी परमात्मा का मौज हुआ, इन लोगों की सहानुभूति मिली, आज साल भर भी जेल से मैं भी शिवनंदन बाबू की सहानुभूति वर्णन नहीं हो पाता, वहां जेल गेट पर भी पहुंच करके इन्होंने पिता का रोल अदा किया कि अब बंदी मेरा है, अधीक्षक साहब यह बंदी मेरा है, इसको कोई तरह का तकलीफ नहीं होना चाहिए, हम गोभी का वो शिवनंदन बाबू पहुंचाइए और साल भर के बाद बेल लिए, आज उन्हीं का कृपा है कि घर में मुझको नहीं रहा गया, जब बेटी कहा कि या इसको मैं देखना चाहता हूँ कि आजीवन जेल में यह रहे, मेरा दिमाग नाच गया कि क्या हो रहा है, फिर भी एक शिक्षाप्रद कहानियां थी, एक बिच्छू जब पानी में डूब रहा था तो साधु महात्मा पार हो रहे थे, वह बिच्छू को बचाने के लिए अपने हाथ पर लिया, बिच्छू दो बार डंक मारा, डंक को सह कर करके महात्मा ने वह बिच्छू को पार लगा दिया, वही मैं चाहता हूँ कि वह बिच्छू की तरह वह बेटी नहीं बने, बेटी तो बेटा तो पिता का गोद का भरने वाला होता है,
जहाँ कहीं भी वह बेटी रहे अपना जीवन जीविका चलावे, और मैं क्या बोल सकता हूँ वह पिता के दर्जा में। लेकिन जैसे ही आपके आते ही एक बार आरती ने फिर से सवाल शुरू कर दिए, तो आरती के लिए आज आप क्या कहेंगे? वो आरती की मर्जी है, जो करा। अब आपके अच्छा 1.5 साल तक, साल भर तक आप लोग जेल में रहे, आपका एक छोटा बेटा भी है, आपकी बूढ़ी माँ भी है, किस प्रकार से आपका घर चल पाया इन दिनों? परमात्मा जाने। अच्छा, इन सारे भूमिकाओं में जितने दिन से आप लोग जेल में थे पूरे परिवार, तो वकील शिवनंदन भारती लगातार जैसा आप बोले कि गार्जियन की तरह का देखभाल किए, या फिर हमेशा मतलब इस केस को विशेष फोकस किए, क्या कुछ कहना है उनके बारे में? या वर्णन नहीं हो पाता, मैं तो इतना बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस रहा जी। आपके केस को लेके आप एक पिता हैं, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि उस रात में असल में क्या हुआ था, कुछ आपको याद है? आप मतलब तो देखे थे, आरोप तो झूठे भी लगते हैं, सही क्या है वो तो माननीय न्यायालय के ऊपर है, लेकिन आप कुछ बता सके थोड़ा सा? मालूम थोड़ा सा हुआ तो सोचा कि प्रेम तो अंधा होता है। अच्छा, समय जो रहता है, अवस्था जो रहता है, परे हो रहता है, लेकिन उस पर कितने कितने विद्वान लोगों का भी पेट फिसल जाता है, महात्मा को भी पेट फिसल जाता है। हमने सोचा कि जब इस तरह की घटना हुई तो उसको बचाने के लिए हल्ला हुआ कि चोर आ गया है, डकैत आ गया है गोली मारने के लिए। उससे पूर्व भी लड़का, वो उन्होंने ठोस दिया था कि मैंने गोली से उड़ा दूंगा। किसको दिया था? पवन यादव को, मेरे बेटा रवि का। अच्छा, गोली से उड़ा दूंगा, बचने के लिए नहीं था। उस पीरियड में उन्होंने घर में पकड़ाया तो हल्ला हुआ कि डकैत आ गया, डकैत आ गया। डकैत के दरमियान पहचाने उसको, तो कहा देखे मेरा जात भाई है, बच्चा है, फिर फिसल गया, उसको बचाने के ख्याल से मैंने घर में बंद किया। और उस दरमियान में कैसे उसका मौत हो गया जांच का विषय, मतलब आपको इसके बारे में इसके बाद विशेष कोई जानकारी नहीं है? तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं छोटू को इंसाफ नहीं मिला? और छोटू का इंसाफ हम क्या थे? ठीक। आपने वीडियो में सुना कि आरती के पिता किस तरीके से रो रो करके अपनी कहानी बता रहे हैं। उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि आरती जहां रहे वहां सुखी और संपन्न रहे। उनके द्वारा जो कुछ मुझे किया गया, मैं उसके लिए क्या कहूँ। हालांकि यह प्रेम कहानी आरती छोटू की पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई थी।